इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आप तक नोटिफिकेशंस आती रहे। नाजरीन, आपको बताते चले, मशहूर बॉलीवुड एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने एक बयान को मुस्तरद किया है और कहा है कि मेरे कहने को गलत तरीके से लिया गया है। मैं आपको बताता चलूं कि कुछ दिन पहले का वाकया है जिसमें एक्टर ने कहा था कि किसी ने 25 करोड़ रुपए की इमदाद की है। ये सुनकर सरासर नारवा और मायूसी का मुजाहरा किया गया है। साथ ही कहा है कि इंसानी सोच कार्रवाइयों को आम नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि शो बज की जगह आहिस्ता आहिस्ता शो आप बज ले करना चाहिए। इस बयान पर फैंस ने सीधा अक्षय कुमार पर लिया क्योंकि 25 करोड़ अक्षय कुमार ने PMCAR फंड में दिया था। फिर सोशल मीडिया पर बातें होना शुरू हो गई। इस पर शत्रुघ्न सिन्हा ने जवाब देते हुए कहा कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था और तो और अक्षय कुमार तो मेरे दिमाग में था ही नहीं। हमारे अक्षय कुमार के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और उसने मेरी बेटी सोनाक्षी सिन्हा के वो लीडिंग मैन रह चुके हैं। अक्षय कुमार वो इंसान है जो हर मुसीबत की घड़ी में मदद के लिए आगे आते हैं और मिसाल कायम करते हैं। नाजरीन, आपको ये भी बताते चलें कि शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा को भी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर ट्रॉल किया गया था कि उसने जो COVID-19 है उस हवाले से उसने मदद नहीं किया है, ना ही PM केयर फंड में उसने कुछ डाला है। मगर सोनाक्षी सिन्हा ने जवाब में कहा कि मुझे इन चीज़ों को प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं है, नीकी कर और दरिया में डाल, ये मेरा फंडा है और मैं इसी तरह से चलती हूँ।